कैसे परेशान है यार? मेरी बीबी खो गई। यार मेरी बीबी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तेरी बीबी कैसी दिखती है? बहुत खूबसूरत है। और तेरी कैसी है? मेरी जाए भाड़ में, चल तेरी ढूंढते हैं। चक्कर तो मुझे तब आ गया जब सुलभ शौचालय वाले ने कहा छुट्टे नहीं है, 5 रुपए की और कर लो। आए? एक आदमी की बहू मर गई, उन्होंने दफनाए का घर जेरा चले आ। जब आसमान में बिजली खड़की, तूफान आ गया, जोर जोर का बारिश होने लगी, माहौल अफरा तफरी बढ़ हो गया। वो दुखी आदमी बेचारा आसमान कर नहीं देख कर कह रहा, इतनी देर में वहां भी जगह खड़ उतार दिया, लगा पहुंच गई। आंटी वो ना आपकी पतंग पे हमारी छत आई हुई है। ब्राजील में एक ऐसा गांव भी है जहां पर लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। काफी सारी लड़कियां जो कि कुंवारे लड़के ढूंढ रही है, लेकिन लड़के मिल ही नहीं रहे। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। यार सरकारी नौकरी के बिना ना मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और लग गई ना तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। बेटा तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तेरा खाने का मन नहीं करता? अरे बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन के रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापिस रख देता हूँ। हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी होते थे, एक ही थप्पड़ में सारे नेटवर्क आ जाते थे। एक आदमी की कामयाबी के पीछे बस औरत का हाथ हो, कुछ लोग ही झूठी अफवाह फैला रहे। एक आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ हो, कुछ लोग ही झूठी अफवाह फैला रहे। अब खुद ही देख लो, जो शादीशुदा हुए तो बैठे घरों में और देश को रंडवे चला रहे।